जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काफ़ी दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आप लोगों से शेयर किया था कि किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन के अंदर VPN यूज़र को एज ए ब्लॉक कर सकते हैं या आप अपने एप्लीकेशन के अंदर VPN सेकर किस तरीके से लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो नॉर्मली यूज़ किया था एज ए जो हमारी डिवाइस की करेंट IP एड्रेस को सेक करने का जो एक्सटेंशन का यूज़ करके हमने उसको बनाया था, तो आज की इस वीडियो में हमने एक नया एक्सटेंशन बना लिया है जिसका यूज़ करके आप डायरेक्टली अपने जो भी एप्लीकेशन के अंदर VPN सेकर को आप यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हमारे जो एक्सटेंशन है वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। तो जैसे ही आप एक्सटेंशन को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें से आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा foxysaker.io। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट में लेके आएगा foxysaker.io। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे ही आप यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे पोट करके आप जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एज ए ईमेल में आपका एक API की सेंड कर देगा, जैसे कि योर API की करके हमारा एक API की यहाँ पर आ गया है। तो अभी मैं इस एक्सटेंशन को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक्सटेंशन मैंने इंपोर्ट कर लिया है और एक हमने एक लेबल हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे ही अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में चेकिंग हो कि हमारा VPN यूज़र कनेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं सिक VPN का एक ब्लॉक हमने रखा है, तो ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको यहाँ पर ईमेल में जो API की मिलेगा वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। API सेट API करके हमने एक ब्लॉक रखा है, तो उसमें आप एज ए सिंपल ब्लैंक टेक्स्ट का कंपोनेंट लेके आपका जो भी API की है तो इसमें आप एज ए सिंपल टेक्स्ट ब्लॉक लेके यहाँ पे आप अपना जो API की है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में VPN सेकर का कंपोनेंट लगा दिया और एक जो हमारा API की है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो अभी अगर यूज़र की डिवाइस पे एज ए VPN कनेक्ट है तो इसके लिए हमने दो एज ए ब्लॉक रखा है। अगर VPN कनेक्ट है तो आप क्या शो कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाए और कोई अगर नोटिफिकेशन शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर सेट कर सकते हैं। अगर जैसे ही VPN डिसकनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हमारा लेबल है उसके अंदर मैं एज ए टेक्स्ट सेट कर देता हूँ कि VPN कनेक्टेड और इसमें सेट कर देता हूँ VPN डिसकनेक्ट। तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया कि जैसे ही हमारा स्क्रीन इनिशियलाइज होगा तो यहाँ पे हमने VPN सेकर को कॉल कर दिया और इसके साथ ही हमने API को भी यहाँ पे कॉल कर दिया है। और जैसे ही हमारा VPN सेकर यहाँ पे सेक करेगा कि अगर VPN कनेक्ट होगा तो हमारा लेबल टेक्स्ट में VPN कनेक्ट शो करेगा और अगर VPN डिसकनेक्ट होगा तो यहाँ पे VPN डिसकनेक्ट शो करेगा। तो अभी हम इसको एज ए लाइव टेस्टिंग में हमारी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं हमारे MakerBot के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे हमने हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर लिया है लाइव टेस्टिंग में, तो अभी हमारा कोई भी VPN हमने एज ए कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के अंदर VPN डिसकनेक्ट ये जो हमने ब्लॉक सेट किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी VPN को यहाँ पे टर्बो VPN को एज ए कनेक्ट कर लेता हूँ, तो देखते हैं कि उसके बाद हमारा एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से शो करेगा। तो जैसे कि हमने हमारे डिवाइस के अंदर एज ए VPN को कनेक्ट कर लिया है, तो अगर हम अभी दोबारा हमारे एप्लीकेशन को एज ए रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एज ए VPN कनेक्ट शो करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन एज ए लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट हो चुका है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर एज ए VPN कनेक्ट शो कर रहा है। तो उसके साथ ही आपको एक्सटेंशन के अंदर और दो कॉम्पोनेंट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने get IP करके एक कॉम्पोनेंट रखा है। तो यहाँ पे हम एज ए दूसरे लेवल के अंदर उसको हम एज ए सेट कर देते हैं कि जैसे ही हमारा एज ए VPN कनेक्ट होगा तो यहाँ पे हमारा IP एड्रेस भी शो होना चाहिए। अगर एज ए VPN डिसकनेक्ट भी होगा तो यहाँ पे भी हमारा जो भी करंट IP है वो यहाँ पे गेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हमारा VPN कनेक्ट है तो अभी हमारा जो करंट IP एड्रेस है वो हमारे लेवल के अंदर अभी शो कर रहा है। तो अगर हम इसको एज ए VPN को एज ए डिसकनेक्ट करके अगर दोबारा हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो जो हमारा रियल IP होगा वो यहाँ पे शो करना चाहिए। तो अभी हमने उसको दोबारा रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे हमारा जो करंट IP एड्रेस है वो यहाँ पे शो करेगा विदाउट VPN का। तो यहाँ पे अभी शो कर रहा है कि VPN डिसकनेक्ट। तो उसके साथ ही आपको एक्सटेंशन के अंदर और एक कॉम्पोनेंट मिल जाएगा टू डे लिमिट फिनिश।
तो ये कंपोनेंट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो API की है वो एज ए foxysecure.io वेबसाइट से हमें मिल जाता है, तो उसका जो फ्री वर्जन है उसके ज़रिए आप एज ए दिन में 1000 बार एज ए चेक कर सकते हैं कि VPN कनेक्ट है या नहीं। तो उससे ज़्यादा अगर लिमिट आपका डेली का क्रॉस हो जाता है तो इस ब्लॉक का यूज़ करके आप दूसरा API के यहाँ पे सेट कर सकते हैं डायरेक्टली, जो भी आपका एज ए सेकेंड API की आप दूसरे ईमेल से गेट कर सकते हैं वो आप यहाँ पे सेकेंड जो आपका API की होगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आपका ये नॉन स्टॉप एज ए चलता रहेगा और इसको आप एज ए फायरबेस के ज़रिए भी आपका API की सेंस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया हमारी जो एक्सटेंशन का यूज़ करके आप बढ़िया तरीके से अपनी एप्लीकेशन के अंदर VPN सेकर को आप बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस एक्सटेंशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डायरेक्टली नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।